हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे हैं एगलेस ओरियो केक। चलिए स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ओरियो बिस्किट, जो हमने एक पैकेट लिया है वो 10 रुपीज़ वाला। इसका हम लोगों ने जो क्रीम होता है अंदर, ओरियो क्रीम जो अंदर होता है बिस्किट्स को जो कंबाइन करता है, उस क्रीम को निकाल दिया है और जो बिस्किट है उसको हम लोगों ने क्रश कर लिया है, बिल्कुल फाइन क्रम कर लिया है अपना रोलिंग पिन से। और इस जो हमने जो क्रम लिया है इसको हम लोग विप क्रीम में ऐड कर देंगे। बेसिकली ये नॉर्मल विप क्रीम है, इसमें हम लोगों ने क्रश किया हुआ ओरियो बिस्किट ऐड कर दिया है। इससे होगा क्या कि जो ओरियो बिस्किट इतनी जल्दी सोगी नहीं होता है जब हम क्रीम में ऐड करते हैं, तो ये जो बिल्कुल फाइन फाइन पार्टिकल्स जब क्रीम में ऐड होते हैं तो एक लाइक जैसे हमारा वनीला एसेंस जो होता है उसके वनीला पॉट्स होते हैं, उस पॉट्स की तरह ये इफेक्ट देता है। प्लस जब आप क्रीम को टेस्ट करेंगे तो आपको ओरियो बिस्किट का टेस्ट आएगा। तो चलिए हमने क्रीम बना लिया है, अब हम लोग जो है स्पॉन्ज ले लेंगे। स्पॉन्ज ही हम लोगों ने एगलेस स्पॉन्ज लिया हुआ है, इसका टॉपिंग हम लोग निकाल देते हैं, ऊपर का टॉप जो है, और साइड्स भी ट्रिम कर देते हैं। इसका मेन रीज़न ही क्या होता है कि आपका जो साइड्स प्लस टॉप होता है उसका जो क्रम होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो अगर आप उसको इंक्लूड कर लेंगे तो आपके केक में बीच में जो सॉफ्टनेस आना चाहिए वो सॉफ्टनेस नहीं आएगा। क्रम हम लोग निकाल देते हैं, देखिए पूरा, देखिए क्रम अगर नाइफ से भी हटा दें तो बहुत हार्ड होता है ये क्रम, बिकॉज बेकिंग के टाइम पे साइड्स में हार्डनेस आ जाता है। अब हम इसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर देंगे, कोशिश करिए कि तीनों इक्वल लेयर्स में डिवाइड हो केक। ये हम लोग ओरियो बिस्किट जो है उसको यूज़ करके बना रहे हैं। आप अगर चाहें तो स्पॉन्ज के अंदर थोड़ा सा जो आपने जो क्रीम निकाला था ओरियो बिस्किट्स के बीच में बीच वाला, उस क्रीम को आप स्पॉन्ज में भी डाल सकते हैं। तो हमने फर्स्ट लेयर ले लिया है स्पॉन्ज का और उसके ऊपर शुगर सिरप अप्लाई कर दिया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने क्रीम विप क्रीम बनाया था जिसमें हमने ओरियो बिस्किट का क्रम डाला था उसको अप्लाई करेंगे और इसको पैलेट नाइफ की मदद से स्प्रेड करेंगे इवनली। अब इस टाइम पे आप लोग जो फर्स्ट लेयर में हमने उसके अंदर भी आप अगर चाहें तो बिस्किट के चॉप चंक्स डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसका जो ओरियो बिस्किट का क्रीम है वो भी चॉप करके डाल सकते हैं। ये देखिए सेकंड लेयर है, इसमें हम लोगों ने स्पॉन्ज लगाने के बाद अब हम लोग इस पर अपना ओरियो क्रीम डालेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको और ओरियो का फ्लेवर, बिस्किट का पूरा फ्लेवर देना है, अगर इसमें भी वैसे वेल एंड गुड फ्लेवर आ जाता है बट स्टिल अगर आपको और फ्लेवर देना है तो आप जो है ओरियो को और फाइन चॉप करिए, बड़े बड़े चंक्स रखिए और बीच में डाल दीजिए, तो आपकी हर पेस्ट्री, हर जब केक कट होगा हर बाइट में आपको पूरा कंप्लीट ओरियो का फ्लेवर आएगा। अब हम लोगों ने ये थर्ड लेयर पे क्रीम लगा दिया है। अगर आप चंक्स डालेंगे तो उसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब भी वो चंक्स जो हैं, अगर आप नेक्स्ट डे केक खा रहे हैं, बिकॉज़ आप केक बनाएंगे 2 घंटे उसको ठंडा करेंगे, उसके बाद जब उसको कट करेंगे तो बेसिकली ओरियो बिस्किट वो सोगी हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने चंक्स नहीं डाले हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपको सेम डे कंज्यूम करना है। देखिए साइड्स भी ट्रिम कर दिया शेफ ने से ताकि कि उससे इवन जो हमारे लेयरिंग है साइड्स की बिल्कुल इवन हो। और ये देखिए ऊपर से हम लोग क्रीम लगा के क्रम कोटिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग क्रम कोटिंग बोलते हैं, फर्स्ट कोटिंग ऑफ द केक वो भी बोलते हैं। आप लोगों को अगर कुछ भी इसके केक्स के बारे में पूछना हो या और कोई वीडियो आपको लगे कि हमें इस केक के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसकी रेसिपीज़ जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो जिस केक की भी आपको रेसिपीज़ वीडियोज़ हम बना रहे हैं उस केक की रेसिपी। देखिए अब हमने जो है इस पर ऊपर से एक अच्छा सा कोटिंग दिया है एंड साइड से भी हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारा जो क्रीम है उसमें ऑलरेडी क्रम है, मतलब बिस्किट्स का क्रम है, तो वो एक अलग ही लुक देगा आपका क्रीम, लाइक इट्स लाइक वाइट में आपको ब्लैक पॉट्स का टेक्सचर आएगा वो। इस केक के अलावा भी हमने और भी नए नए टाइप्स के केक बनाए हैं, अभी हम आपको डिज़ाइनर केक्स जो एप्पल केक हो गया और बनाना केक, स्ट्रॉबेरी केक, डिफरेंट टाइप्स के केक भी बनाना सिखाएंगे। देखिए हम लोग साइड में फिनिश करने, अब हम लोग कॉम यूज़ करेंगे
उससे क्या होगा कि साइड्स में थोड़ा अच्छा डिज़ाइन क्रिएट होगा। कॉम्ब लगाने के बाद अब हम इस केक को थोड़ा ऊपर से लेवल कर लेंगे। ऊपर से आप चाहें तो इसको कॉम्ब यूज़ करके भी टॉप लेयरिंग कर सकते हैं। देखिए अब हम इसके ऊपर जो गनाश है उसको थोड़ा सा माइक्रो करके सॉफ्ट करके मेल्टेड गनाश को पोर कर रहे हैं। और एक बारी देखिए शेफ़ ने नाइफ घुमाया है, उसके बाद उसको जो केक स्टैंड है उसको टैप कर रहे हैं। टैप करने का रीज़न क्या है, ताकि जो ट्रफल है वो साइड से ऑटोमेटिकली एक डिज़ाइन क्रिएट कर दे हमारे केक के ऊपर। हम दोबारा से नाइफ नहीं चला सकते, अगर हम चलाएंगे तो केक के ऊपर की जो शाइनिंग है वो चली जाएगी और वो जो केक है ऊपर से डल लगने लगेगा आपको। तो इसके लिए हम लोग ये जो ट्रफल है इस पर दोबारा नाइफ नहीं चला रहे। इससे एक अलग टैपिंग करने से बेनिफिट ये होता है कि आपका केक का जो शाइनिंग है वो नहीं जाता है, प्लस आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करके मिलता है। अब हम इस केक को अपने केक बेस पे निकाल लेंगे और इसको साइड में रख देंगे ताकि इसकी हम लोग फिनिशिंग करें। और फिनिशिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने इसमें स्टार नोज़ल लगाया हुआ है हमारे पाइपिंग बैग में, और इसमें ओरियो क्रीम जो हमारा बचा हुआ था उसी को हम लोग पाइप करेंगे और अंदर डालेंगे। इसको आप चाहें तो और भी तरीके हैं आपको फिनिशिंग करने के लिए। आप चाहें तो टॉपिंग पे पूरा ओरियो बिस्किट का एक लेयर क्रिएट कर सकते हैं, पूरा ऊपर टॉप से पूरा ओरियो बिस्किट। जैसे हम लोग जो कर रहे हैं वो थ्री बल्ब्स ऑफ व्हिप क्रीम वो क्रिएट करेंगे। सेंटर में हम लोग दो ओरियो बिस्किट रख देंगे। अगर आप चाहें कि आपको ओरियो बहुत ही पसंद है, ज़्यादा आपको लगाना है, तो आप साइड्स में भी ओरियो बिस्किट एज ए मैक्रोन की तरह, गार्निशिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ही प्रॉब्लम आता है कि बिस्किट सोगी हो जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आपको सेम टाइम पे कंज्यूम करना है विद इन हाफ एन आवर वन आवर, तो इट्स बेटर गो फॉर मोर ओरियो बिस्किट्स। साइड्स में भी आप लगा सकते हैं। देखिए अभी हमारा बॉटम जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, तो हमने बॉटम्स भी क्रीम से कवर कर लिया। ये जो हमारे हैं गोल्डन बॉल्स हैं, इसको हम लोग ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, सो डैट एक अलग लुक आ जाएगा आपको। चलिए हमारा देखिए ऊपर से हमने बॉल्स स्प्रिंकल कर दिए हैं और साइड्स में भी थोड़े थोड़े बॉल्स। ये गोल्डन लाइक बॉल्स होते हैं, शुगर कैंडीड बॉल्स होते हैं जो गोल्डन कलर में आते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो थ्री हमारे जो टॉप्स हैं, आप चाहें तो उस पर चेरी, बिकॉज चेरी इतना अच्छा नहीं लगता है ओरियो बिस्किट में, तो हमने सिल्वर बॉल्स तीन लगा दिए हैं ऊपर से। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को, और वीडियोस नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस आपके इनबॉक्स में आ जाएं। तो हमारे देखिए ओरियो केक रेडी हो गया है। चलिए एंजॉय करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।